की शक्ति क्षीण होने के पीछे क्या कारण है? ऐसा लगता है ज्येष्ठा लक्ष्मी की छाया पड़ गई है हम पर। कौन है ये ज्येष्ठा मामा जी? क्या बात हो सकती है? असुरों के समक्ष सभी देवगण निर्बल क्यों पड़ते जा रहे हैं? इन असुरों को हमारे देव सैनिकों की ओर बढ़ने से रोकने के लिए मुझे कुछ करना होगा। राधा गणेश, मैं इन असुरों को रोकता हूँ, तब तक तुम अंधकासुर के पास जाओ, उसे चुनौती देकर कहीं एकांत में ले जाओ, जिससे हम उसे बंदी बना सके। जी भैया, मुझे अंधकासुर तक पहुँचने का कोई मार्ग ढूंढना होगा। रुक जाओ असुरों, मेरे रहते आगे नहीं बढ़ सकते तुम। वो रहा दुष्ट अंधकासुर। देवराज को इस अवस्था में नहीं देख सकता मैं। ये बाण कहां से आए? तो ये इस दुष्ट का कार्य है। वायुदेव हूं मैं, जिस पर प्रहार करने का दुस्साहस कर रहे हो तुम। अच्छा, किंतु जहां मैं खड़ा हूं वहां से तो तुम मूर्ख दिखाई पड़ते हो। मूर्ख देवता जो विवश है मेरे बाणों से खंडित पृथ्वी पर खड़े होने के लिए, तुम्हारी इस धृष्टता का उचित दंड दूंगा तुम्हें मैं। कैसे हो रहा हूं? कुछ भी कर लो देवराज, मुझसे मुक्त नहीं हो सकोगे तुम। आप चिंता मत कीजिए, मैं आ रहा हूं आपको मुक्त कराने, दुष्ट असुर। सर्वप्रथम इस अग्निदेव का उपाय करता हूं मैं। उठने की अनुमति नहीं है देवराज। तुम्हारा अंत मेरे ही हाथों होगा दुष्ट। असुरों में सर्वाधिक शक्तिशाली अवश्य होगे तुम, किंतु मेरी अग्नि शक्ति का सामना नहीं कर सकते तुम। यदि तुम अपनी रक्षा चाहते हो तो शीघ्र भाग जाओ यहाँ से। अग्निदेव, तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे मेरा।
तुमने अपनी रक्षा का अवसर गवा दिया है और मैं तुम्हें भस्म करूंगा। खीर पड़ गई है, मेरा वज्र भी शक्तिहीन हो गया है। श्री गणेश जी, आप ही नहीं सभी देवता सामर्थ्यहीन होते जा रहे हैं। आप सभी किसी प्रकार इस असुर को रोकिए। मैं तब तक अंधकासुर को दूर ले जाकर उसे बंदी बनाने का उपाय करता हूँ। अब तुम नहीं बचोगे देवताओं। पाठ पढ़ाऊंगा मैं। इसे घसीटता हुआ ले जाऊंगा असुर राज अंधकासुर के पास। ये असुर तो मेरी ओर बढ़ा रहा है, किंतु मुझसे भिड़ने के पूर्व ये भैया से टकराएगा। गणेश और यह विशाल का असुर एक दूसरे के समक्ष ये क्या हो रहा है? मुझे इस असुर को सरलता से पराजित क्यों नहीं कर पा रहा मैं? गणेश कैसे रोकेगा इस असुर को?
बालक, मेरा सामना नहीं कर सकते तुम। ये दुष्ट असुर तो गणेश को घेरने का प्रयास कर रहे हैं, ये उचित नहीं है, ये मैं कदापि होने नहीं दूंगा। छल कपट से भरी आसुरी प्रवृत्ति का है दुष्टों। युद्ध का नियम है कि अकेले पड़े योद्धा को घेर कर उस पर पीछे से वार करना अनुचित है। उचित तो ये होगा कि तुम युद्ध के प्रवचन देने के स्थान पर हमसे युद्ध करो। पराजय तुम्हारी होगी असुर। अति उत्तम अस्ति अति उत्तम। घसीट कर लेकर आओ उस गजमुख बालक को यहाँ। शीघ्र ही ले आओ मेरे समक्ष। शक्ति से नहीं युक्ति से कार्य लेना होगा। हाँ, ये युक्ति सफल हो सकती है। उस बालक को बांध कर घसीट कर यहाँ ले आओ। अंधक बनाएगा उसे अपना बंधक। दुर्योधन, दुष्ट बालक, इस बार तो मुझसे नहीं बच सकता। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्व शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः। ब्रह्मदेव की मंत्र शक्ति से पीड़ित ये असुर हमारे समक्ष आने में असमर्थ हो रहे हैं। ओम द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्व शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः। ये क्या हो रहा है हमारे साथ?
हम निर्बल कैसे पढ़ते जा रहे हैं? औषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर विश्वे देवा। रूपा जी, ब्रह्मदेव के मंत्र जाप से उचित उपाय हो गया इन दुष्ट असुरों का। शांतिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिः। क्या हुआ भैया, आपके मुख पर अभी चिंता का भाव क्यों है? ध्यान से सुनो गणेश, ब्रह्मदेव का स्वर भी मंद पड़ता जा रहा है। शांतिर ब्रह्म शांतिः सर्व शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामः। ये दुष्ट तो पुनः उठ रहे हैं। जब तक लक्ष्मी मेरे पास है, तुम देवताओं की कोई भी शक्ति, कोई भी शस्त्र, कोई भी अस्त्र कुछ कार्य नहीं करेगी मेरे असुरों पर। बस बहुत हुआ, अब कोई अवसर मत दो इन देव सैनिकों को, नष्ट कर दो इन्हें। जाओ बाला। असुर के असुर सैनिक यहाँ पर तो विजय पा ही रहे, हमारी अशक्त और शिथिल पड़ी सेना को और हानि पहुंचाने के लिए वो अपने भवन से भी आक्रमण करेगा।
बाण है। मैं और कितने समय तक इस आक्रमण को रोक सकूंगा ये मुझे भी ज्ञात नहीं। मामा जी, देवताओं की शक्ति क्षीण होने के पीछे क्या कारण है? हम असुरों को पराजित क्यों नहीं कर पा रहे हैं? मैं बताता हूँ गणेश, ऐसा लगता है ज्येष्ठा लक्ष्मी की छाया पड़ गई है हम पर। अर्थात मामा जी? हाँ पुत्र, लक्ष्मी के जाने के साथ हमारी सारी शक्तियाँ भी चली गई हैं। कौन है ये ज्येष्ठा मामा जी? छल का सहारा लेकर क्षणिक सफलता तो प्राप्त की जा सकती है, किंतु दूसरे अप्रिय परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।